हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक अगली विधि पढ़ेंगे जो औद्योगिक विधि ही है। इस विधि को बोलते हैं ओस्टवाल्ड विधि। बच्चों, आजकल इस विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हमारी जो पिछली विधि है जिसे हम लोगों ने पढ़ा था, बर्कलैंड तथा एड विधि, उस विधि में बच्चों ज्यादातर बस उसमें खर्चा जानते हैं किस चीज का था। उसमें खर्चा बस और सिर्फ विद्युत का था। इलेक्ट्रिक आपके पास है तो आप बना लीजिए, ठीक है। वायु फ्री है, वायु सीधे आप ले लेते थे, बट थोड़ा सा ये कॉस्टली है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या कॉस्टली है? क्योंकि प्लेटिनम का आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो ये बच्चों ये प्लेटिनम का उत्प्रेरक जो प्रयोग में ला रहे हैं, तो प्लेटिनम महंगा है। प्लेटिनम की जाली यहाँ पर लगी है, यानी प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये थोड़ा महंगा है। इसके साथ साथ अमोनिया ली जा रही है, अमोनिया भी एक महंगी गैस है, इससे भी आप खरीद कर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन आजकल इस विधि का प्रयोग बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले इस विधि को समझाने से पहले मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा। सिद्धांत क्या है इसका? पहला स्टेप होगा क्या बच्चों? अमोनिया तथा वायु आपस में क्रिया करेगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेगी। तो NH3 प्लस O2 एरो किसकी उपस्थिति में ये क्रिया करेगा? प्लेटिनम की जाली है, इसकी उपस्थिति में ये क्रिया करेगा तो बना लेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका संतुलित है रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं आप सिद्धांत में? सबसे पहले अमोनिया तथा ऑक्सीजन प्लेटिनम जाली की या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों? सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रिक एसिड है ये ऑक्सीकारक कक्ष में जाएगा और ऑक्सीकारक कक्ष में जाने के बाद ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो हमारा NO जो है ये क्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ और बना लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वापस फिर अब अगले स्तंभ में, तीसरे स्टेप में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहां पर चला जाएगा? अवशोषण स्तंभ में चला जाएगा। थर्ड स्टेप है ये हमारा, चला जाएगा अवशोषण स्तंभ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर लेगा और बना लेगा ये नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल आपको पता है वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फोर्थ स्टेप आपको यहां पर लिख देता हूं। फोर्थ स्टेप में क्या है? वापस नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड अपशिष्ट गैस है जो वापस यहां से, देखिए अपशिष्ट गैस निकालने के लिए बना है, ये वहां से वापस हो जाएगी। अब आप इसे यहां पर संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। संतुलित करेंगे तो संतुलित कर लीजिए। कितना है आपके पास? नाइट्रोजन 3 है और ऑक्सीजन है आपके पास 3 × 6। ये है आपका 3 × 6, एक ये हो गया नाइट्रोजन है आपके पास और हाइड्रोजन है आपके पास 3, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो 3, 1, 2 ये हो गया आपका। हाइड्रोजन है आपके पास 3, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन है आपके पास 6। यहां पर बच्चों HNO2 है ये, ठीक है। 3 HNO2 ये कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में प्लस NO में, ठीक है। तो इसके आगे आप लगा दीजिए और प्लस H2O। नाइट्रोजन यहां पे लगा दीजिए 2, ठीक है। 3, 2, 5 और 1, 6, सही बच्चों, ठीक है। तो ये आपका बन गया नाइट्रिक अम्ल जो कि तनु है। तो ये रिएक्शन सिद्धांत, सिद्धांत में सबसे पहले आप बोलेंगे
कि हमारे पास जो अमोनिया है ये ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर आप रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे दूसरे पद में नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकारक स्तंभ में ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, फिर ये रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषण टावर में जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड तथा HNO नाइट्रस अम्ल में बदल जाता है, जो नाइट्रस अम्ल कुछ समय बाद वापस फिर से नाइट्रिक अम्ल में बदल जाता है। इतनी चीजें आप लिखेंगे और रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर बनाएंगे फिगर और इसके बाद लिखेंगे विधि। विधि में क्या लिखेंगे, हम अमोनिया तथा ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा को नली की सहायता से प्लैटिनम की जाली युक्त एक उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष के अंदर का टेम्परेचर लगभग 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जहां पर अमोनिया वायु के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक कक्ष से निकलकर शीतलक में पहुंचता है और शीतलक जो गैस आ रही है, बेटा यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो गैसों ने ऊष्मा को एब्जॉर्ब किया है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसकी ऊष्मा बहुत ज्यादा है, तो ये शीतलक में पहुंचकर वो ठंडी होती है और गैस का टेम्परेचर जो है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ये इसकी फर्स्ट डेल्टा एच कितना है हमारे पास, ये हमारे पास -89.9 किलो जूल, किलो जूल, ठीक है, इतनी एब्जॉर्ब हुई है उसमें यहां पर। तो यहां पर जो गैसें निकल रही हैं वो शीतलक पर जाकर ठंडी हो जाती है, लगभग उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड आक्सीकारक कक्ष में पहुंचता है और आक्सीकारक कक्ष में पहुंचकर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो जाकर अवशोषण स्तंभ में प्रवेश करता है। अवशोषण स्तंभ में क्वार्ट्ज के पत्थर भरे होते हैं तथा ऊपर से जल का फवारा गिराया जाता है या फुहारे गिराए जाते हैं, छोटी छोटी बूंदें गिराई जाती हैं और वो गैसें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल की बूंदों से क्रिया करके तनु नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती है, जो स्तंभ में नीचे इकट्ठा हो जाता है, जिसे समय समय पर टोटी की सहायता से बाहर कर लेते हैं। तो ये था ओस्टवाल्ड की विधि बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद।